कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है। यहाँ आज काफी चहल पहल थी। इस घर में आज एक शादी हो रही थी, इसलिए घर में काफी रौनक लगी हुई थी। कुछ लोग बातें कर रहे थे जबकि कुछ लोग दबाकर खाना खा रहे थे। शादी सोफी और जॉनी की हो रही थी। सोफी इस बड़े घर की बेटी थी जबकि जॉनी इस घर का दामाद था। शादी की रस्में होने के बाद जॉनी और सोफी एक कमरे में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। मेहमान अभी भी नीचे थे और वो शादी का पूरा मजा ले रहे थे। सोफी के सौतेले बाप का नाम विंस था जबकि उसकी माँ का नाम मरियम था। मरियम के पति की मौत एक साल पहले हुई थी जिसके बाद मरियम ने बिन्स से शादी कर ली। ये बड़ा सा घर मरियम का था। मरियम काफी पैसे वाली थी इसलिए बिन्स उसी के साथ रहता था। कुछ देर बाद सोफी और जॉनी पानी निकालकर सबके सामने आते हैं। इस शहर का रिवाज था कि शादी होते ही दूल्हा दुल्हन का पानी निकालेगा और फिर उसे अपने घर ले जाएगा। सोफी और जॉनी ने रिवाज का पालन किया इसलिए अब जॉनी उसे अपने घर ले जा रहा था। दोनों के जाने के बाद सभी मेहमान भी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। घर में अब सिर्फ बिन्स और उसकी बीवी मरियम थे। बिन्स बाथरूम की तरफ जाने लगा लेकिन सोफी के कमरे में आगे आकर रुक जाता है। सोफी के कमरे में उसके कपड़े पड़े थे और बिन्स उन्हें देखने लगता। दूसरी तरफ मरियम नौकरों को काम समझा रही थी जबकि सोफी के कपड़े देखते देखते बिन्स का डंडा गर्म हो गया। सोफी बिन्स की सौतेली बेटी थी लेकिन फिर भी वो मन ही मन उसे चाहता था। उसने जब पहली बार सोफी को देखा तभी वो उसे अपना दिल दे बैठा था। बिन्स को सोफी के अंडर गारमेंट्स भी मिलते हैं। इसी बीच मरियम उसके पास आ जाती है और बिन्स बहाना बनाकर कपड़ा छुपा लेता है। अगली सुबह जब बिन्स अपनी बालकनी में आता है तो उसे पूल में एक लड़की नजर आती है। बिन्स लड़की से काफी दूर था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। वो मरियम के पास जाकर इस नई लड़की के बारे में पूछ मरियम बताती है कि ये लड़की सोफी की छोटी कजिन बहन है और ये अपनी पढ़ाई पूरी कर कल रात ही यहाँ पर आई है। मरियम आगे बताती है कि इस नई लड़की का नाम नीना है और ये हमारे पुराने गेस्ट हाउस में रहने वाली है। कुछ देर बाद बिन्स अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ऑफिस जाने से पहले वो एक बार नीना से मिलना चाहता था इसलिए वो गेस्ट हाउस के पास आ गया। गेस्ट हाउस में उसे नीना मिलती है जो इस वक्त साफ सफाई कर रही थी। नीना को पता था कि मरियम ने बिन्स से दूसरी शादी की है। नीना जवान और प्यासी लड़की थी। वो बिन्स को अपना बदन दिखाकर उसका डंडा गर्म करने की कोशिश करती है मगर बिन्स ऑफिस का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मरियम के पास उसका मैनेजर नॉर्मन आता है। नॉर्मन कभी कभी मरियम के पास आकर उसे हिसाब किताब देता था। बिन्स मरियम के साथ कुछ नहीं करता था इसलिए मरियम भी प्यासी ही थी। वो नॉर्मन को गर्म करने की कोशिश करती है लेकिन नॉर्मन बहाना बनाकर उसे टाल देता है। रात को बिन्स फिर से नीना के पास आता है। उसे नीना तो नजर नहीं आती लेकिन उसके प्राइवेट कपड़े दिख जाते हैं। वो कपड़ों को देखकर गर्म हो ही रहा था कि तभी नीना वहां आकर उसे अपने कपड़े छीन लेती है। उसके साथ ही वो बिन्स से कहती है कि तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। इतना कहकर वो बिन्स के लिए अपनी गुफा खोल देती है जिसके बाद बिन्स उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। थोड़ी देर बाद बिन्स और नीना मरियम के घर में थे। नीना बिन्स को बुरा भला कह रही थी क्योंकि वो साला उसकी प्यास नहीं बुझा पाया था। वो उसे शाही दवा खाने जाने की सलाह देती है जिसके बाद बिन्स गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सोफी अपनी माँ से मिलने वापस आ गई थी। उसके साथ उसका पति जॉनी भी था और शादी के बाद दोनों पहली बार मरियम के घर आए थे। दोनों जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। जॉनी और सोफी भी गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे जिसकी सफाई नीना ने पहले ही कर दी थी। सोफी को भी गेस्ट हाउस काफी पसंद था। वो यहाँ इसलिए रहना चाहती थी ताकि वो दिल खोलकर जॉनी का पानी निकाल सके और मरियम उनकी आवाजें भी ना सुन सके। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नीना गेस्ट हाउस में रहती है तो दोनों का मन खराब हो जाता है। जॉनी तो बेहद गुस्सा करता है लेकिन सोफी उसे समझाती है कि हमें नीना की परवाह नहीं करनी चाहिए। सोफी के समझाने पर जब जॉनी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है तो नीना उनके पास आकर कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ ही सोना चाहती हूँ क्योंकि दूसरे कमरे में मुझे डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर जॉनी का दिल कर रहा था कि वो नीना को गोलियों से मार डाले लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगले दिन जॉनी नीना को शहर ले जा रहा था। नीना को कुछ सामान खरीदना था इसलिए दोनों शहर जा रहे थे। रास्ते में नीना जॉनी को गर्म करने की कोशिश करती लेकिन जॉनी पर उसका कोई असर नहीं होता। नीना ने उसकी रात बिगाड़ दी थी इसलिए वो नीना पर बेहद गुस्सा था। जल्दी ही दोनों शहर पहुंच जाते हैं। नीना एक दुकान में जाकर सामान खरीदती है जिसके बाद दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। जॉनी जल्दी जल्दी नीना को गाड़ी से निकालता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसे नीना पर बेहद गुस्सा था इसलिए उसने ये हरकत की। शुरू शुरू में तो नीना उसे रोकती है लेकिन जल्दी उसे जॉनी का डंडा इतना पसंद आ जाता कि वो भी उसका साथ देने लगती है। अगली सुबह जॉनी पहले मरियम से बातें करता है और फिर नीना को ढूंढने लग जाता है। उसे नीना तो नहीं मिलती लेकिन सोफी जरूर मिल जाती है। कुछ देर बाद चर्च का फादर लोगों को बता रहा था कि आज के इंसानों में हवस भरी पड़ी है। इंसान अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं। इसके बाद वो मरियम को आगे बुलाता है। मरियम भी काफी धार्मिक थी। वो भी हवस पर बात करती है और लोगों को बताती है कि वो हवस जैसी चीजों से बेहद दूर है। थोड़ी ही देर बाद मरियम घर में थी। मरियम लोगों की नजर में तो काफी धार्मिक थी मगर उसकी सच्चाई नॉर्मन जैसे लोग ही जानते थे। मरियम मौका देखकर नॉर्मन को गर्म करने की कोशिश करती है। आज हवस उसके दिमाग पर चढ़ गई थी इसलिए नॉर्मन का बच पाना मुश्किल था। ये तो भला हो कि सही समय पर बिन्स आ जाता है और नॉर्मन का डंडा बच जाता है। दूसरी तरफ सोफी भी जॉनी को गर्म करने की कोशिश कर रही थी मगर जॉनी का ध्यान नीना की तरफ था इसलिए वो सोफी की तरफ ध्यान नहीं देता। सोफी जब देखती है कि जॉनी गर्म नहीं हो रहा है तो वो निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर नॉर्मन पूल के पास बैठा था जबकि नीना पूल में नहा रही थी। नॉर्मन उसके बदन को देखकर गर्म हो रहा था क्योंकि नीना उसे अपना बदन दिखाकर गर्म कर रही थी। इसी बीच घर में चर्च का फादर भी आता है। वो यहाँ पर मरियम से मिलने आया था क्योंकि मरियम ने ही फोन करके उसे
बुलाया था। मरियम फादर को बताती है कि वो किसी का प्यार चाहती है। फादर उसे गले लगाकर उसे प्यार करता है, लेकिन मरियम उसे रोककर कहती है कि मुझे रात वाला प्यार चाहिए। मरियम की बात सुनकर फादर के तोते उड़ गए। वो उसे समझाता है कि तुम एक धार्मिक औरत हो और तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। उधर सोफी भी पूल में नहाने लगी और उसके पीछे पीछे बिंस भी पूल के पास आ जाता है। नॉर्मन और बिंस अभी लड़कियों को देख ही रहे थे कि तभी जॉनी भी पूल में आ जाता है। दूसरी तरफ फादर मरियम को समझा रहा था कि अगर उसने किसी के साथ संबंध बनाया तो वो पापी बन जाएगी। मरियम फादर की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उसकी गुफा बेहद प्यासी थी। इसी बीच जॉनी और सोफी नहाकर कपड़े बदलने लगे। मरियम ने फादर की बात नहीं मानी थी, इसलिए फादर गुस्सा होकर जा रहा था। मरियम फादर को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगना चाहती थी, इसलिए उसने फादर को बुलाया था। रात को जब बिंस मरियम के साथ सो रहा था तो उसे अपने पास सोफी नजर आने लगती है। सोफी के बदन की कल्पना कर बिंस का डंडा गर्म हो चुका था। इसी बीच मरियम की आंख खुल जाती है और बिंस की गर्मी देखकर वो भी गर्म हो जाती है। वो चाहती थी बिंस उसकी गुफा में धमाके करे। वो बिंस को तैयार करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बिंस नींद का बहाना बनाकर सो जाता है। बिंस का ध्यान सोफी की तरफ था, इसलिए वो मरियम को नजरअंदाज कर रहा था। अगले दिन बिंस जैसे ही ऑफिस जाता है तो मरियम नॉर्मन को गर्म करने लगती है। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अपनी प्यास बुझाकर ही रहेगी। नॉर्मन बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज मरियम उसे छोड़ने वाली नहीं थी। देखते ही देखते वो नॉर्मन को पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। जल्दी ही नॉर्मन ने उसकी प्यास बुझा दी थी, जिसके बाद वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। रात को सोफी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी गुफा की आग बुझाना चाहती थी, लेकिन जॉनी बिना कुछ किए सो गया था। अगले दिन सोफी बगीचे में फूल काट रही थी और बिंस छुपकर उसे देख रहा था। सोफी को देखते देखते वो कुछ फूल उठाता है और फिर उन्हें सोफी को दे देता है। कुछ देर बाद दोनों शिकार करने लगते हैं। बिंस ज्यादा से ज्यादा समय सोफी के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वो उसे शिकार पर ले आया था। सोफी भी जॉनी के कारण उदास थी, इसलिए वो बिंस का साथ पाकर बहुत खुश थी। दोनों पूरा दिन जंगल में घूमते हैं और इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचते हुए वो दोनों एक पुराने घर में आ गए थे। ये घर जंगल में ही था और यहाँ कोई नहीं रहता था। बारिश के कारण दोनों के कपड़े भीग गए थे। बिंस ने तो पहले कपड़े उतार दिए थे और सोफी भी जल्दी ही कपड़े उतार देती है। बिंस की नजर जैसे ही उसके बदन पर पड़ती है तो वो उसे दबोच लेता है और सोफी भी उसका पूरा साथ देती है। बिंस कब से उसकी गुफा में पानी निकालना चाहता था और आज सोफी ने उसे मौका दे दिया था। अगली रात मरियम के घर में एक वीकेंड पार्टी थी। इस पार्टी में परिवार के काफी दोस्त शामिल थे। जॉनी नीना के साथ खूब नाचता है और सोफी इनको साथ में देख लेती है। दोनों की हरकतें देखकर सोफी समझ गई थी कि जॉनी उसे धोखा दे रहा है और इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ बिंस बगीचे में टहल रहा था क्योंकि उसे पार्टी पसंद नहीं थी। इसी बीच उसे सोफी नजर आती है और उसे देखकर बिंस समझ गया था कि सोफी को उसकी जरूरत है। कहानी के आखिर में नॉर्मन मरियम की प्यास बुझाने लगा। सोफी जब तक यहाँ रही, बिंस उसकी गुफा में धमाके करता रहा, जबकि जॉनी नीना की गुफा में पूरा परिवार नाजायज रिश्तों में डूब चुका था, जो फादर के मुताबिक पाप था। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।